हर खबर पर है हमारी पहली नजर, उत्तराखंड की बुलंद आवाज। आप देख रहे हैं न्यूज पोर्टल उत्तराखंड। उत्तराखंड में लकड़ी के बर्तनों का उपयोग लगभग बंद होता जा रहा है, जो काष्ठ शिल्प कारोबारों के लिए शुभ संकेत नहीं है। लकड़ी के बने इन बर्तनों का प्रयोग अधिकांश दूध व उससे बनने वाली वस्तुओं को रखने के लिए किया जाता है। काष्ठ शिल्प के ये बर्तन स्वास्थ्य के हिसाब से बड़े ही लाभकारी होते हैं। लकड़ी के इन बर्तनों को बनाने के लिए मुख्य रूप से ऐसी लकड़ियों का प्रयोग किया जाता है जो वर्षों पानी में रहकर भी नहीं सड़ती। पीढ़ियों से लकड़ी से बनने बर्तन की इस विरासत को उत्तराखंड के चुनार जाति के दास्तकारों द्वारा बचाए रखा है, जो हर वर्ष सर्दियों के मौसम में कालाढूंगी के जंगलों में पानी के स्रोत के पास काठ शिल्प का कार्य करते हैं। वहीं अब लकड़ी से बर्तन बनने का प्रचलन बाहर हो गया है, जिसके चलते यह वस्तुएं अब अपनी पहचान तक को तरसने लगी हैं। इसी को देखते हुए कालाढूंगी में आए काष्ठ शिल्पकारों द्वारा बनाए गए बर्तनों को कॉर्बेट ग्राम विकास समिति द्वारा कॉर्बेट संग्रहालय की दुकान में रखा है, जहां इनकी बिक्री के साथ ही इनका प्रचार प्रचार भी किया जाता है। तहसील कपूर जिला बागेश्वर के हम सताई निवासी हैं। हमको पहले से हमारे बाप दादाओं से मतलब 1960 से मतलब काष्ठ कला कुटीर उद्योग से हम जुड़े हैं। तब इसे बर्तन सीखने बर्तन बनाते हैं, तब इसे हम बाहर ले जा करके अपना मतलब बच्चों को पालते हैं। तब आदमी भी लाते हैं साथ में, और यहाँ बाघ हाथी शेर का भी खतरा रहता है, वैसे हमको कोई खतरा नहीं रहता है। आज तक जो भी हमारे गाँव वाले वो हमारे मतलब लोकल वालों का हाथी शेर ना हमसे मतलब कुछ नहीं करते।